उत्तराखंड में लोग हर महीने कोई ना कोई त्योहार मनाते हैं जिनमें ज्यादातर त्योहार प्रकृति से जुड़े होते हैं। ऐसा ही एक त्योहार है चैत्र मास की संक्रांति। फूलदेई के रूप में इसे मनाया जाता है जो वसंत ऋतु के स्वागत का त्योहार है। इस दिन छोटे बच्चे सुबह उठकर थाली में गुड़ फूल चावल को सजाकर हर घर की देहरी पर लोकगीतों को गाते हुए हर्षोल्लास से देहरी पूजन करते हैं। तो वसंत ऋतु का आगमन और इस आगमन पर फूलदेई की ये परंपरा बहुत पुरानी है। छोटे बच्चे इन थालियों को लेकर हर देहरी पे जाते हैं, लोकगीतों को गाते हैं और फिर जिस देहरी पे गीत गाया जाता है वो लोग इनकी थाली में कुछ पैसे रखते हैं, थोड़ा सा अनाज रखते हैं और फिर ये फूलदेई छम्मादेई की जो रीति है इसको निभाया जाता है। हर देहरी पे जाते हैं बच्चे वसंत ऋतु के आगमन में, फिर उन्हें हर देहरी से कुछ पैसे आशीर्वाद स्वरूप कुछ अनाज दिया जाता है। त्योहार है ये हमारे पहाड़ का ऐतिहासिक त्योहार है। हम हर घर की देहरी में जाकर फूलदेई छम्मादेई का गीत गाकर उन्हें पूछते हैं और वहाँ पे गुड़ चावल और फूल फेंकते हैं और बदले में वो हमें पैसे चावल और गुड़ देते हैं। हम इसको बहुत उत्साह से मनाते हैं। ये हमारे पहाड़ की बहुत ही ऐतिहासिक त्योहार है और हम लोग हर दिल्ली में जा करके फूलदेई छम्मादेई गा करके वहाँ दिल्ली को पूछते हैं और वहाँ से हमें गुड़ और चावल मिलता है।